किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? कोई भी है, पदार्थ है, मटेरियल्स है, आप परमाणु, अणु, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे उसको? तो आपका सबसे जो होता है छोटा रह जाता है वो अणु होता है। यह जो है सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु होगा, बी राइट आंसर होगा। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, भ्रमित होता है कभी कभी, एग्जामिनर भ्रमित करता है बच्चों को। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मोसले, मिलिकान, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, इसमें रदर थॉमसन दिया गया होगा, इलेक्ट्रॉन थॉमसन होगा, ईट पर नाच लिखेंगे रदरफोर्ड, थॉमसन और चैडविक, ये तीनों हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता। तो इसमें थॉमसन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन एवं टोलेस्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपका सी होगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, जो नाभिक होती है, परमाणु की नाभिक होती है उसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, सी राइट आंसर। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है और उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सी अभिक्रिया होती है जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगी? फर्स्ट राइट आंसर, क्योंकि जब धनावेश होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, इसलिए धनावेशित होता है, उस पर चार्ज होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो क्या होता है स्वतंत्र अवस्था में, क्या पाया जाता है? सल्फर होगा, अगर सल्फर राइट आंसर दिया है तो यही पाया जाता है जो आप यह स्वतंत्र अवस्था में होता है, यही एलिमेंट्स है, यही तत्व है सल्फर। अगला है, सोडियम को किस में रखा जाता है, किस चीज़ में रखा जाता है? पेट्रोल में, मिट्टी तेल में, पानी में, इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम अगर रहेगा तो मिट्टी तेल के साथ इसको रखेंगे तभी यह सुरक्षित रहेगा, सोडियम Na होता है। शुद्ध सोना की माप होती है किस कैरेट में होती है? इसकी जो माप होती है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट। तो इसकी जो माप होती है शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन मार्केट में मिल नहीं पाता है, ये 18 20 कैरेट मिल पाता है, 24 कैरेट होती है शुद्ध सोने की माप। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? स्टील, तांबा, लोहा, टाइटेनियम। ये होता है स्टील, तांबा, लोहा, टाइटेनियम होता है, ये भविष्य की सबसे बड़ी धातु होती है टाइटेनियम। वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जा सकती है क्या है? सोडियम, पारा, लोहा, तांबा। पारा है, इसको काटा जा सकता है, चाकू के द्वारा काटी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन तत्व न तो तत्व है और ना ही यौगिक है? आपको मिलाना जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको टिक कर लेंगे। ये वायु है, वायु इसके अंतर्गत आता है, ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है, किसी में नहीं आता है, ये वायु हो जाएगा, ना ही आपका तत्व है और ना ही यौगिक है, कंपाउंड है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? लकड़ी का, ईंट व सीमेंट का, कांच का, लोहा का। ग्रीन हाउस पदार्थ बना होता है कांच का, कांच का बनाया जाता है और कांच का बना होता है ये ग्रीन हाउस। अगर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु नहीं है? कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन। ये हो जाएगी एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु नहीं है? तो यह एल्यूमिनियम हो जाएगी, सी राइट आंसर हो जाएगी, यह अधातु नहीं है। लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट, गंधक, सोडियम, टिन। ये लिखने वाली जो पेंसिल आती है इसमें ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है, जो ब्लैक कलर का होता है वही ग्रेफाइट होता है जिससे लिखते हैं। निम्न में से कौन सा अधात्विक तत्व है? पारा, मैग्नीज,
कार्बन, सोना। अधात्विक धातु के अंतर्गत कार्बन आता है, कार्बन सी आता है, अधात्विक है। और अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? मेंडलीफ, वरी, मोन्सले, रदरफोर्ड। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोन्सले के द्वारा खोज की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी सी राइट आंसर होगा, मोन्सले। ये साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चल रहा है, आप सभी लोग वीडियो देखिएगा और लाइक करिएगा। निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्लैटिनम, हीरा, सोना, चांदी। ये हीरा हो जाएगा, सबसे कठोरतम धातु हीरा होती है, हीरा का नाम लिया गया है, और महंगी धातु भी होती है। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? ढलवा लोहा, इस्पात, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा। तो ये होता है पिटवा लोहा जो होता है, ये सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, पिटवा लोहा जो होता है लोहे में। सूर्य मुख्यतः बना है, किसका बना है, किससे बना हुआ है, या किन गैसों से मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन से, कार्बन से, हाइड्रोकार्बन से, हीलियम से। तो ये हाइड्रोजन अगर दिया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य मुख्यतः बना है हाइड्रोजन से, इसका राइट आंसर हाइड्रोजन। ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, पहुंचा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC जो आपकी होती है हानिकारक गैस है जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी राइट आंसर हो जाएगा, जिससे ओजोन परत में छिद्र हो गया है। और अल्ट्रावायलेट जो सूर्य के बाद के हानिकारक किरणें, उससे पृथ्वी पर पड़ने वाले जीवों पर फर्क पड़ रहा है। CNG का अर्थ क्या है? ये आपका पूछता है कि LPG पूछता है, लिक्विड पेट्रोलियम नरम गैस। CNG पूछता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये कोल्ड नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कोल्ड नेचुरल गैस। तो ये हो जाएगा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आपके कुछ सब क्वेश्चन थे, तो मैं आपसे धन्यवाद।